हेलो एवरीवन, वेलकम टू बोजोन मेडिटेक। आई एम रविंदर पाठक। गाइस, आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ पॉइंट्स, और हम वो पॉइंट डिस्कस करेंगे जो मैंने कुछ पॉइंट्स प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो ये वीडियो आप ये समझ सकते हैं कि उस वीडियो का पार्ट टू है। रिलेटेड प्रीवियस वीडियो पॉइंट्स हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि पहले एमसीआई की वेबसाइट पे एक लिस्ट होती थी मेडिकल यूनिवर्सिटीज की, जिसको चेक कर करके बच्चे गए हैं एब्रॉड और उनके साथ फ्रॉड और स्कैम हुआ है। और जो बच्चे अब्रॉड गए हैं एमसीए की लिस्ट चेक करके गए हैं, वो किसी ना किसी कंसल्टेंट या एजेंट के थ्रू गए हैं। और इनफैक्ट कंसल्टेंट और एजेंट ने भी ये बोल के अप्रोच किया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी एमसीए लिस्टेड है तो आप जाइए इसमें, उसके बावजूद भी बच्चों के साथ गलत हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप लोग समझते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि सभी कंसल्टेंट ऑनेस्ट नहीं है। तो इस वजह से जब मैंने आपको ये बातें बताई तो आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सर अभी करेंटली तो एनसीए की वेबसाइट पे कोई ऐसी लिस्ट ही नहीं है जिसको चेक करके हम बाहर जाएं या हमारे बच्चे बाहर जाएं, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, हम कैसे एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी अब्रॉड की चूज कर सकते हैं। तो ओवर द कॉल मैंने आपको बताया, जिनको जिनका कॉल नहीं आया, जिन्होंने कमेंट के थ्रू पूछा या फिर जिनके मन में ये क्वेरी है, उनके लिए आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊं और वीडियो के थ्रू मैं एक चीजें क्लियर करूं। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप लोग एमबीबीएस स्टडी अब्रॉड से करने की प्लानिंग कर रहे हैं और अपने लिए अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हैं, इनफैक्ट सभी चाहते हैं कि उनको एक अच्छी मेडिकल यूनिवर्सिटी मिले जहां क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी मिले और स्टडी जर्नी हैसल फ्री हो। तो गाइस, जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, अगर इन पॉइंट्स को आप ध्यान में रखते हुए यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करेंगे तो डेफिनेटली अपने लिए बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करेंगे आप। सबसे पहले आप ये देखें कि जो भी मेडिकल यूनिवर्सिटी आप अब्रॉड की चूज कर रहे हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, मोर देन 100 ईयर्स या 200 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। लेकिन अब्रॉड की ज्यादातर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो गवर्नमेंट है वो तो आपको 100 ईयर्स ओल्ड और 200 ईयर्स ओल्ड मिल जाएगी, लेकिन प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का अगर हम रेशियो देखें तो इतनी ओल्ड नहीं है। तो आप मिनिमम 50 या 60 ईयर्स ओल्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी तो जरूर देखें अगर प्राइवेट है तो। इसके अलावा उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश हो और काफी इंडिया से बच्चे गए हों और वो स्टडी कर रहे हों, ये चीजें देखें। इसके अलावा आपने ये देखना है कि उस मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स इन कैंपस है या नहीं है। इसके अलावा करप्शन तो नहीं है मेडिकल यूनिवर्सिटी में, ये बातें आपने जरूर देखना है। उसके बाद आपने सबसे जो लास्ट में आता है, होना पहले चाहिए पर मैं लास्ट में बोलता हूँ, अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी आपको अच्छी मिलेगी। क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है तभी वो पॉपुलर होंगे, तभी इतने बच्चे गए हैं। तो आपने इन बातों का ध्यान में रखना है। अब यहाँ कुछ बच्चे ये गलती कर देते हैं कि गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, पॉपुलर है, बहुत बच्चे गए हैं, मीडियम ऑफ टीचिंग इंग्लिश है, सब चीजें हैं तो ले लो एडमिशन। ये भी कई बार, ऐसे में भी कई बार आप गलत मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज कर लेते हैं, क्योंकि आप दो चीजें यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, एक तो हॉस्टल से रिलेटेड इशू और दूसरा करप्शन। क्योंकि कुछ मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी है जो पॉपुलर है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट भी है तो काफी ओल्ड है और पॉपुलर है, इनफैक्ट बच्चे भी काफी उसमें पढ़ रहे हैं इंडिया से और बैच भी काफी पास आउट हुए हैं, तो ये चीजें मिलकर उस मेडिकल यूनिवर्सिटी को पॉपुलर कर देती है और ईयर बाय ईयर बच्चे इंक्रीज होते रहते हैं पॉपुलरिटी को देख के। लेकिन फैसिलिटी के नाम पे कुछ भी इंक्रीज नहीं होता। हॉस्टल से रिलेटेड इशूज, ओवरक्राउडिंग का हो गया, ये फिर उस मेडिकल यूनिवर्सिटी में करप्शन हो जाता है, काफी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि बच्चा वहां पे फिर स्टेबल नहीं हो पाता है या फिर ये बताएं तो एडजस्ट करने में उनको बहुत ही प्रॉब्लम होती है, हॉस्टल में नहीं रह पाते। और अगर उनका बजट टाइट है, अगर अपार्टमेंट या फ्लैट ले लिए तो स्टडी बजट इंक्रीज होगी। और जो बच्चे अपना बजट इंक्रीज नहीं, बिल्कुल ही टाइट लेके चलते हैं, पूरा कैलकुलेशन के हॉस्टल में ही रहना है, वहीं सेल्फ कुकिंग करना है सारी चीजें, फिर उन बच्चों को अगर बाहर रहना पड़ जाता है ओवरक्राउडिंग की वजह से, तो आप समझ सकते हैं कि उन बच्चों में क्या होता होगा। बजट मतलब बहुत सारी चीजें हैं ओवर द कॉल, या फिर ये चीजें तो मैं क्लियर करता रहता हूँ वीडियो के थ्रू, वो चीजें मैं शेयर नहीं कर सकता आप, जिसको मुझे लगता है कि जितना मुझे लगता है कि मैं वीडियो के थ्रू बताऊं उतना तो खैर मैं बता ही देता हूँ आप लोगों को। तो ये सारी चीजें आप अगर चेक करेंगे, बिकॉज गाइस हमारा काम होता है बताने का, और अगर आप मेरे थ्रू एडमिशन लेते तो मेरा काम होता है आपको अच्छी और बेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी चूज करके देने का अकॉर्डिंग टू यू, जो भी आपके हिसाब से। अगर आपका बजट इतना नहीं है तो मैं आपको मना ही कर देता हूँ कि आप ये मेडिकल यूनिवर्सिटी है जिसका बजट थोड़ा ज्यादा है आप इसमें ले लीजिए तो अच्छी रहेगी, स्टडी जर्नी आपकी अच्छा होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अच्छी मिलेगी। अगर आपका नहीं है तो आप मुझसे अप्रोच करते हैं कि मुझे इस कंट्री में कर दीजिए, इस यूनिवर्सिटी में, मना ही कर देता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है कि वहाँ प्रॉब्लम है। और जब आप एडमिशन होंगे तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके साथ अगर बुरा हो रहा है कुछ, आपको ऐसी यूनिवर्सिटी चूज कर रहे हैं जहाँ स्टडी जर्नी अच्छी नहीं है, उसमें मेरी भी कोई इन्वॉल्वमेंट हो, तो मैं चाहता ही नहीं कभी, इसलिए मैं डायरेक्टली ही मना कर देता हूँ। तो आपका जो ये करियर का 5 ईयर 6 ईयर जाता है वहां पे पैसा भी इन्वेस्ट होता है, इन पे काफी चीजें डिपेंड करता है, पूरा करियर आपका डिपेंड करता है
आपका करियर है, आपके हाथ में है, आपने अच्छे से सोचना है। आपका बच्चा है, आप अपने बच्चे को बाहर भेज रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, पैसा बाद में आ जाएगा, ये 5-6 साल जो चला जाता है ये रिटर्न नहीं आता। और फिर इस 5 साल में अगर बच्चों को एजुकेशन अच्छी नहीं मिली, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, डाइवर्ट हो गए, किसी और वे पे चले गए, बैड हैबिट्स में पड़ गए, तो और नुकसान ही हो जाता है आपका एज ए पेरेंट्स। तो बहुत सारी बातें आपने सोचना है, ध्यान में रखना है, फिर यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करना है, कंट्री सिलेक्शन करना है। तो आई होप गाइस कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव हो, अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।